नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका ओरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है इनवॉल्यूट मेजरिंग मशीन, इसके लिए मैंने यहां पे एक डायग्राम भी बनाया और इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा विजुलाइजेशन करना पड़ेगा। सेम द टाइम मैं आपको एक गियर के ऊपर भी उसको दिखाऊंगा कि उसका परफॉर्म कैसे करना है। तो पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनवॉल्यूट मेजरिंग मशीन मतलब है क्या। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ़ ए स्ट्रेट एज इज रोल्ड अराउंड द बेस सर्कल विदाउट स्लिपिंग द स्टाइलस ऑफ डायल गेज वुड ट्रांसवर्स ए ट्रू इनवॉल्यूट। उन्होंने क्या किया है कि एक सर्कल लिया है, एक सर्कल के ऊपर क्या किया, एक बेस सर्कल लिया है मतलब सिलेंडर लिया है, उसके ऊपर क्या किया हमें उन्होंने स्ट्रेट एज रखा है। स्ट्रेट एज रखने के बाद क्या होगा, आपने कंसिडर करिए स्ट्रेट एज है और उसको क्या किया उन्होंने इसको ऐसे रोटेट किया, तो क्या होगा ये आपका स्ट्रेट एज विदाउट स्लिप क्या होगा, रोटेट होगा। यही उन्होंने प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ किया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो गियर है जिसका आपको प्रोफाइल मेजर करना है, फिर वो गियर और एट द सेम टाइम आपको क्या करना है उसी डायमीटर का, अभी इसका जो बेस सर्कल रहेगा वही डायमीटर का आपको क्या करना है और एक डिस्क लेना है, ठीक है, और ये दोनों को क्या करना है एक ही मैंड्रिल के ऊपर उसको आपको फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद आपका ये जो ऊपर का स्ट्रेट एज है उसको क्या करना है आपको एक डायल इंडिकेटर लगाना है, ठीक है। डायल इंडिकेटर लगाने के बाद क्या होगा, आपको ये दोनों को क्या करना है रोटेट करना है। जब आप इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा, अगर कंसिडर करें आपका ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल क्या इसमें कुछ अनइवननेस है, तो क्या होगा आपका ये जो पॉइंटर है ये क्या हो जाए, इसका मूवमेंट क्या होगा, कुछ इस तरह से इसका मूवमेंट होगा और आपको पता चलेगा कि टूथ टू टूथ मतलब एक टूथ से लेके नेक्स्ट टूथ के आपके इसमें इन्वॉल्यूट इसमें क्या डिफरेंस है। ये इतना इस वीडियो में मुझे बताना था। थैंक यू।